आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो वीज़ा है वो असली है या फेक है। वो आप पासपोर्ट नंबर से बहुत ही इजी तरीक़ा से आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही ये पता लगा सकते हैं कि आपका वीज़ा असली है या नकली है या फेक है। सुभाष, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। सो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि आप ये कैसे चेक करेंगे कि आपके पास जो वीज़ा है वो असली है या नकली। वो भी आप पासपोर्ट नंबर से बहुत ही ईजी तरीक़े से आप उसको चेक कर सकते हैं घर बैठे। तो ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से पासपोर्ट नंबर से जो वीज़ा को जो है चेक किया जाता है वो असली है या नकली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. आपका वीज़ा असली है या फेक ये आप बहुत ही आसानी से आप पासपोर्ट नंबर से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ UAE वीज़ा। देखिए जैसे ये मैं डाला यहाँ पे UAE वीज़ा चेक, तो यहाँ पे आ चुका है UAE वीज़ा चेक बाय पासपोर्ट नंबर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज जो है ओपन होकर आ जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, चेक UAE वीज़ा स्टेटस, ठीक है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये पेज देखने को मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए कि विजिट दिस लिंक, आपको इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पेज जो है ओपन होकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरीके से ये पेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो फेक है या सही है। तो आप यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अरबिक और हिंदी है, तो जो भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं आपको इस लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो फिर आपको इंग्लिश ही रखना है तो सिंपली आपको यहाँ पर कट वाले पर क्लिक करके इसको हटा देना है। यहाँ पर देखिए कि फाइल नंबर के द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर रेसिडेंसी के द्वारा चेक कर सकते हैं, यहाँ फाइल टाइप का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर नेशनलिटी वगैरह का, यहाँ डेट ऑफ बर्थ का, और यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप कर देना है कि आप रोबोट नहीं है। चलिए हम यहाँ पे वीज़ा के द्वारा चेक करना चाहते हैं, पासपोर्ट नंबर के द्वारा चेक करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पासपोर्ट वाले पे क्लिक करूँगा। ये जो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि वीज़ा का ऑप्शन आ चुका है, आपको वीज़ा वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट नंबर डालना है और यहाँ पर डालना है कि पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो डेट आपको यहाँ पर डालना है। ये वाले फिर सेलेक्ट करके यहाँ पर नेशनलिटी वाले पे क्लिक करके आप जो भी देश से है, जैसे आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूरिया, अमेरिका, तो जहाँ से भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करें, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि आपका सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप रोबोट नहीं हैं तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक कर देना है कि भैया आप रोबोट नहीं हैं। अगर रोबोट है तो फिर इसको नहीं क्लिक कीजिएगा तो फिर ऑप्शन जो है आपका ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पर देखिए कि राइट का टिक लग चुका है। अब यहाँ पर आपको पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो डेट डालना है, पासपोर्ट नंबर डालना है। चलिए मैं यहाँ से फटाफट डाल के यहाँ पर आपको सर्च वाले पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पासपोर्ट नंबर डाल दिया हूँ, यहाँ ग्रीन का टिक लग चुका है। इस तरीके से आपको ग्रीन का टिक लग जाएगा, ठीक है। ये कैलेंडर में से आपको जो है कब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है वो आपको इस कैलेंडर में से चूज कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डेट वगैरह चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि आपको सब कुछ ग्रीन है, लग चुका है टिक, और यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। अब करना क्या है, आपको यहाँ सर्च वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका फाइल नंबर आ चुका है, यहाँ पर इमरात यूनिफाइड नंबर आपका यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर फाइल स्टेटस यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिव है, यहाँ पे आपको फाइल इशू डेट आपको यहाँ पे है और यहाँ वीज़ा वैलिडिटी डेट आपको यहाँ पे आ चुका है। सो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से फाइल नंबर, यहाँ में इमरात अनफाइंड नंबर आ चुका है, यहाँ पे फाइल स्टेटस एक्टिव है। सो गाइस इस तरीके से आप पासपोर्ट नंबर से बहुत ही आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो फेक है या नकली है या ओरिजिनल है, ठीक है। सो इस तरीके से गाइस बहुत ही आसानी से आप अपना वीज़ा को पता कर सकते हैं पासपोर्ट नंबर से कि आपका जो वीज़ा है वो असली है या नकली है, फेक है या ओरिजिनल है।
दोस्तों का इस तरीके से घर बैठे आप मोबाइल फोन से बहुत ही आसानी से पासपोर्ट नंबर से ये पता लगा सकते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो असली है या नकली है। तो गाइज अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं आपके लिए खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के लाता ही रहता हूं पर डे, और मेरा वीडियो जो है पर डे अपलोड होता रहता है और नया नया ट्रिक पे मैं वीडियो को लाता रहता हूँ ताकि मेरे वीडियो से आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हो।